नमस्कार दोस्तों, मैं विनय दुबे मुंबई से। आज आतंकवादी विकास दुबे का खात्मा कर दिया गया। उत्तर प्रदेश पुलिस ने अपने साथियों के जिंदगी का बदला ले लिया। उस व्यक्ति के साथ कोई सहानुभूति नहीं की जा सकती, लेकिन जिस तरह से सोशल मीडिया पे ये फर्जी इनकाउंटर का एक मामला चलाया जा रहा है, इस पे सविस्तार एक वीडियो में निकालूंगा बनाऊंगा। लेकिन आज का जो विषय है वो विकास दुबे नहीं है। आज का विषय वो है जो जिंदा है, जो आज भी आपके लिए और मेरे लिए जेल में बंद है, उसकी कभी भी हत्या हो सकती है, उसको कभी भी उसको मारा जा सकता है। हमें उस जिंदा व्यक्ति के लिए न्याय और इंसाफ की बात करनी है। मैं बात कर रहा हूं डॉक्टर काफिल खान की, जो बिना कुछ गुनाह किए, बिना कुछ क्राइम किए, आज भी बेगुनाह होते हुए भी जेल में सड़ रहा है। रासुका जैसी गंभीर धाराओं में उसे जेल में रखा गया है, और आज हम सभी को उनके परिवार के साथ उनके साथ खड़े रहने की जरूरत है। जब मैंने एक वीडियो बना के पोस्ट किया था, उसे आप लोगों ने दिन रात लोगों तक पहुंचाया, लगभग हर भारतीयों तक पहुंचाया, और उसके प्रति, इस केस के प्रति एक जागरूकता आप लोगों ने पैदा की है, उसके लिए मैं आपका दिल से धन्यवाद करता हूं। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि मेरी डॉक्टर काफिल के परिवार से बात हुई है। अगले 15 जुलाई को, आज से ठीक 5 दिन बाद, डॉक्टर काफिल की रिहाई के मामले में सुनवाई होनी है हाईकोर्ट में। मैं आप तमाम लोगों से कहना चाहता हूं कि हमारे पास 5 दिन है। हम दिन भर इंटरनेट पे बेमतलब की चीजें देखते हैं, वीडियोस देखते हैं, पोस्ट देखते हैं, लेकिन आप तमाम देश की जनता से मैं निवेदन करता हूं कि आप अगले 5 दिन तक केवल डॉक्टर काफिल खान के लिए आवाज अगर उठा सकते हैं, हमें कुछ नहीं करना है। जहां हम बैठे हैं, दिन भर मोबाइल पे हैं, हमें सिर्फ वही करना है जो हम लोग कर रहे हैं। लेकिन अब एक मुद्दा होगा, हमारे पास एक टारगेट होगा डॉक्टर काफिल खान को रिहा कराने के लिए। आप फेसबुक पोस्ट करते हैं, पोस्ट के नीचे एक छोटा सा लाइन लिख दीजिए, हैशटैग डॉक्टर काफिल वांट जस्टिस, जैसा मैंने लिखा हुआ है। इसको आप करिए, चाहे फेसबुक पोस्ट करें, चाहे इंस्टाग्राम करें, चाहे ट्विटर पोस्ट करें, हर पोस्ट के नीचे आप ये लिखते जाइए। इसे ट्रेंड करना है अगले 5 दिन तक लगातार। और ये यकीन मानिए, पिछली बार जब हमने इसको वायरल किया था, ट्रेंड किया था, तो सरकारों के ऊपर दबाव बना था। अब अगर ये 5 दिन के अंदर हम लोग लगातार डॉक्टर काफिल खान की रिहाई के लिए आवाज उठाते हैं, तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि माननीय न्यायाधीश साहब जो इस केस की सुनवाई करेंगे, उनको एक मानवीय आधार पर यह एहसास होगा कि देश की जनता क्या चाहती है। मुझे बहुत शर्म के साथ ये कहना पड़ रहा है कि जिस डॉक्टर की यूनिटी के लिए देश विख्यात था, आज सारे के सारे डॉक्टर अपने घरों में बैठे हैं। उनका एक साथी डॉक्टर जेल में बंद है, वो भी बिना कोई गुनाह किए, लेकिन कोई भी डॉक्टर आगे नहीं आ रहा है। आज उन तमाम एडवोकेटों से मैं पूछना चाहता हूं कि जब आप काला कोट पहनते थे, उस समय आपने कसम खाई थी कि चाहे 10 गुनहगार आरोपी छूट जाएं, लेकिन एक बेगुनाह को सजा नहीं होगी। आज वो बेगुनाह इंसान सजा पा रहा है और आप लोगों के सामने है वो। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।